राज्यसभा सांसद और राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन लाल सैनी का सोमवार को दिल्ली के एम्स में निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों और राजनीतिक जगत की हस्तियों ने जताया गहरा शोक। दिवंगत नेता को राज्यसभा में आज दी जाएगी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा आज भी रहेगी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दे सकते हैं जवाब। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी और राज्यसभा में बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने कल पेश किया था धन्यवाद प्रस्ताव। ओडिशा की 3, गुजरात की 2 और बिहार से राज्यसभा की 1 सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन। गुजरात से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए बीजेपी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और जुगलजी ठाकुर को बनाया उम्मीदवार। जरूरत पड़ने पर 5 जुलाई को होगा मतदान। आपातकाल की 44वीं बरसी आज। उपराष्ट्रपति ने कहा सजग विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, जवाबदेह कार्यपालिका, आजाद प्रेस और सचेत नागरिक संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जरूरी। युवा पीढ़ी को आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों से अवगत कराए जाने पर भी दिया जोर। और क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 62 रनों से मात देकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को रखा जिंदा। ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए शाकिब अल हसन को मैन ऑफ द मैच। लॉर्ड्स के मैदान पर मेजबान इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला आज।